नमस्कार दोस्तों, IPython की अतिरिक्त विशेषताओं पर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल के अंत में आप अपनी IPython हिस्ट्री प्राप्त करने में, हिस्ट्री का एक भाग देखने में, अपनी हिस्ट्री के एक भाग को फाइल में सेव करने में, IPython में एक स्क्रिप्ट रन करने में सक्षम होंगे। इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले हम आपको सलाह देते हैं कि एम्बेलिशिंग अ प्लॉट ट्यूटोरियल को पूर्ण करें। टर्मिनल पर IPython-PyLab टाइप करके PyLab लोडेड के साथ IPython शुरू करें। हम पहले एक प्लॉट बनाएंगे और फिर हिस्ट्री देखेंगे और इसे सेव करेंगे। इसके लिए हम x is equal to linspace within brackets minus 2 into pi comma 2 into pi comma 100 plot within bracket x comma x sin x of x टाइप कर सकते हैं और एंटर दबाएं। हमें x sin x is not defined नामक एक एरर मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि x sin x वास्तव में x star sin x है। इसके लिए हमें टर्मिनल पर टाइप करना होगा plot within bracket x comma x star sin x। प्लॉट x कॉमा sin x x लेबल विद इन ब्रैकेट इन डबल कोट्स x y लेबल विद इन ब्रैकेट इन डबल कोट्स डॉलर साइन fx डॉलर साइन टाइटल विद इन ब्रैकेट इन डबल कोट्स x एंड x sin x टाइटल विद इन ब्रैकेट इन डबल कोट्स डॉलर साइन x एंड x sin x डॉलर साइन। हमारे पास अब प्लॉट है। जो कमांड्स हमने टाइप किए उन्हें देखें। हिस्ट्री मॉड्यूलो हिस्ट कमांड का इस्तेमाल करके पा सकते हैं। अपने टर्मिनल में मॉड्यूलो टाइप करें जो कि प्रतिशत चिन्ह है, फिर हिस्ट और एंटर दबाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह हाल के कमांड्स की एक सूची प्रदर्शित करता है जिन्हें हमने टाइप किया। प्रत्येक कमांड के आगे एक संख्या है, यह उल्लिखित करने के लिए कि वे किस क्रम में और कब टाइप किए गए हैं। कृपया ध्यान दें कि यहां हिस्ट कमांड से पहले एक प्रतिशत चिन्ह है। इसका मतलब है कि प्रतिशत हिस्ट एक कमांड है जो कि केवल IPython के लिए है और पाइथन के किसी अन्य वर्जन के लिए नहीं। इस टाइप के कमांड्स को मैजिक कमांड्स कहते हैं। यह भी ध्यान दें कि परसेंट हिस्ट कमांड खुद एक कमांड है और सबसे हाल के कमांड के रूप में प्रदर्शित है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी जो हम टाइप करते हैं वह हिस्ट्री के रूप में संचित होता है, इसका विचार किए बिना कि यह कमांड है या एक एरर या IPython मैजिक कमांड। यदि हम चाहते हैं कि हाल के केवल 5 कमांड्स प्रदर्शित हों, तो हम प्रतिशत हिस्ट कमांड पर संख्या को तर्क के रूप में पास करते हैं। अतः प्रतिशत हिस्ट 5 हाल के 5 कमांड्स प्रदर्शित करता है। प्रतिशत हिस्ट कमांड को सम्मिलित करके डिफॉल्ट संख्या 40 है। अतः इसके अभ्यास के लिए हम टर्मिनल में परसेंटेज हिस्ट स्पेस 5 टाइप कर सकते हैं। एंटर दबाएं। यहां वीडियो रोकें, निम्न अभ्यास की कोशिश करें और वीडियो पुनः चलाएं। परसेंट हिस्ट के प्रलेखन को पढ़ें और पता करें कि 5 और 10 के बीच की सभी कमांड्स को सूचीबद्ध कैसे करें। जैसा कि हम परसेंट हिस्ट प्रलेखन से देख सकते हैं, परसेंट हिस्ट 5, 10, 5 से 10 तक कमांड्स को प्रदर्शित करता है। अब हमारे पास हिस्ट्री है, हम इसका कमांड प्रॉम्प्ट पर अभ्यास करेंगे। अतः टाइप करें परसेंटेज हिस्ट 5 स्पेस 10 और एंटर दबाएं। हम हिस्ट्री से अपेक्षित कोड की लाइन को सेव करना चाहेंगे। यह परसेंटेज सेव कमांड का इस्तेमाल करके संभव है। इससे पहले कि हम यह करें, सबसे पहले हिस्ट्री देखें और पता करें कोड्स की कौन सी लाइंस की हमें आवश्यकता है। अतः टाइप करें परसेंटेज हिस्ट और एंटर दबाएं।
पहली कमांड है linspace, किंतु दूसरी कमांड वह कमांड है जिसने हमें एरर दी थी, अतः हमें दूसरी कमांड की आवश्यकता नहीं है। तीसरी से लेकर छठी तक कमांड की आवश्यकता है। हालांकि सातवीं कमांड सही है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आठवीं कमांड में टाइटल सही निर्धारित कर रहे हैं। अतः हमें अपने प्रोग्राम के लिए पहले तीसरी से छठी तक और आठवीं कमांड की आवश्यकता है। अतः आप सिंटैक्स में टाइप कर सकते हैं %save/home/fossee/plot_script.py(1:3-6:8)। कमांड कोड की पहली लाइन और फिर तीसरी से छठी तक फिर आठवीं लाइन्स को निर्दिष्ट फाइल में सेव करता है। कमांड्स को सेव करने के लिए परसेंटेज सेव का पहला तर्क फाइल का पाथ है और इसके बाद के तर्क कमांड्स हैं जो कि दिए गए क्रम में सेव करने के लिए हैं। यहां वीडियो रोकें, निम्न अभ्यास करें और वीडियो फिर से चलाएं। Y एक्सिस के लेबल को Y में बदलें और कोड की लाइनों को तदनुसार सेव करें। हम इंटरप्रेटर पर कमांड Y लेबल का उपयोग कर रहे हैं। Y लेबल कोष्ठकों के अंदर डबल कोट्स में Y और एंटर दबाएं और फिर आप परसेंटेज सेव कमांड कर सकते हैं। मतलब आप टाइप कर सकते हैं %save/home/fossee/example_plot.py(1:3-6:10)। अब हमारे पास एक फाइल में कोड की अपेक्षित लाइंस हैं। सीखते हैं कि फाइल को एक पाइथन स्क्रिप्ट की तरह रन कैसे करें। हम इसे करने के लिए ipython magic कमांड %run इस्तेमाल कर रहे हैं। टाइप करें %run /i/home/fossee /plot_script.py। स्क्रिप्ट रन होती है, किंतु हम प्लॉट नहीं देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम एक स्क्रिप्ट रन करते हैं, हम इंटरैक्टिव मोड में नहीं होते हैं। अतः प्लॉट देखने के लिए अपने टर्मिनल पर टाइप करें show, फिर कोष्ठक। यहां पर वीडियो रोकें, निम्न अभ्यास करें और वीडियो फिर से शुरू करें। प्रतिशत हिस्ट और प्रतिशत सेव का इस्तेमाल करें और एक स्क्रिप्ट बनाएं जिसमें फंक्शन शो हो। प्लॉट बनाने के लिए स्क्रिप्ट रन करें और उसे दर्शाएं। अतः आप टर्मिनल पर टाइप कर सकते हैं %hist(20)। हम पहले इस कमांड का इस्तेमाल करके हिस्ट्री देखते हैं। फिर कमांड %save/home/fossee/show_included.py(1:3-6:8)14:17 का उपयोग करके स्क्रिप्ट सेव करें। फिर अगली लाइन पर आप टाइप कर सकते हैं %run-i/home/fossee/show_included.py फिर प्लॉट पाने के लिए टाइप करें शो फंक्शन। हमें अब वांछित प्लॉट मिलता है। रन के बाद हाइफन आय सम्मिलित करने का कारण है कि इंटरप्रेटर को निर्देशित करें कि यदि कोई नाम नहीं मिला तो उसे इंटरप्रेटर में खोजें। अतः यह सब साइन, प्लॉट, पाई और शो जो कि स्क्रिप्ट में उपलब्ध नहीं है, वह इंटरप्रेटर से लिए गए हैं और स्क्रिप्ट को रन करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। यहां पर वीडियो रोकें, निम्न अभ्यास की कोशिश करें और वीडियो फिर से चलाएं। स्क्रिप्ट को बिना हाइफन आई ऑप्शन के रन करें। क्या आपको कोई अंतर मिला? अतः आप %run/home/fossee/included-included.py टाइप कर सकते हैं।
हम देखते हैं कि यह नेम एरर देता है जो दर्शाता है नेम लिनस्पेस इज नॉट फाउंड। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आ गए हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने परसेंटेज हिस्ट कमांड का इस्तेमाल करके हिस्ट्री पता करना सीखा, फिर परसेंटेज हिस्ट कमांड में एक तर्क पास करके हिस्ट्री का केवल एक हिस्सा देखा, फिर परसेंटेज सेव कमांड का इस्तेमाल करके कोड की वांछित लाइनों को वांछित क्रम में सेव किया, फिर सेव डिस्क्रिप्ट को रन करने के लिए परसेंटेज रन हाइफन आई कमांड का इस्तेमाल किया। यहाँ हल करने के लिए आपके लिए कुछ स्वतः निर्धारण सवाल हैं। कैसे आप हाल की 5 कमांड्स प्राप्त करेंगे? और यहाँ 4 विकल्प हैं, परसेंटेज हिस्ट माइनस 5, परसेंटेज हिस्ट 5, परसेंटेज हिस्ट 5 टू 10। आप लाइंस 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 कैसे सेव करेंगे? और विकल्प हैं, परसेंटेज सेव फाइल पाथ 2-579-11, परसेंटेज सेव फाइल पाथ 2-11, परसेंटेज सेव फाइल पाथ परसेंटेज सेव 2-579-11। और अंतिम सवाल है कि कमांड परसेंटेज हिस्ट 510 क्या दर्शाएगा? हिस्ट्री कमांड को सम्मिलित करते हुए हाल में टाइप की गई 5-10 कमांड्स, हिस्ट्री कमांड को हटाकर हाल में टाइप की गई 5-10 कमांड्स। अतः अब उत्तर है, हाल में टाइप की गई 5 कमांड्स को पाने के लिए हम पहले प्रश्न के लिए हम लिखते हैं परसेंटेज हिस्ट 5। अतः दूसरे सवाल के निर्दिष्ट कोड्स की लाइनों का सही उत्तर है परसेंटेज सेव फाइल पाथ 2-5 स्पेस 7 स्पेस 9-11। फिर तीसरा उत्तर है परसेंटेज हिस्ट 5 स्पेस 10, जो हाल के 5-10 कमांड्स को हिस्ट्री कमांड सहित दर्शाएगा। इसी के साथ हम यह ट्यूटोरियल समाप्त करते हैं। अतः हम आशा करते हैं कि आपने आनंद लिया और इसको लाभदायक समझा। मैं रवि कुमार आईआईटी बॉम्बे की तरफ से अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।